ऑफ कोर्स आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ द इंडियंस कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। पर मैं इस पे यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। हमें राइट्स मिले हैं हमारे संविधान के थ्रू कि हम एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न हैं, हम हमारे स्पीच का भी हमें इंडिपेंडेंस है, रिलीजन की हमारी इंडिपेंडेंस है, बहुत सारी इंडिपेंडेंस हमें मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। पर इसके साथ ड्यूटीज़ भी मिली है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। और आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम ये सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस देश को क्या दिया है। इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल, ऑफकोर्स जो इनकम टैक्स पे करते हैं दे हैव गिवन अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। आज पूरी कंट्री उससे ही बन रही है, उसे डेवलप हो रही है, उसी पैसे से हो रही है, पर वो सब कुछ नहीं है। अगर आपने एक अच्छा नागरिक अपने बच्चे के तौर पे इस देश को दिया है, जो इस देश के लिए चिंता करता है, इस देश को प्यार करता है और इस देश के लिए एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, तो भी आपने इस देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसेट और लाइबिलिटी का क्या फंडा है। देखिए, अगर हमने अपना बेटा बेटी ऐसा दिया है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेने में इंटरेस्टेड है, मतलब मैं यहाँ पढ़ लूँ, यहाँ के IIT में पढ़ लूँ, मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ लूँ और फिर मैं अमेरिका जाके जॉब करूँ, उस देश की सेवा करूँ, तो हमने एक लाइबिलिटी पैदा की है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो हमसे ले गया पर सर्विसेज हमें नहीं दी। उसने अमेरिका को सर्विसेज दी है, वो अमेरिका के नासा में काम कर रहा है, वो हमारे यहाँ हमारे डेवलपमेंट में, हमारे रिसर्च में, भाभा एटॉमिक पावर में काम नहीं कर रहा। एसेट क्या होता है? ये बच्चा यहाँ पढ़ा, यहाँ से उसने शिक्षा ली, यहाँ की टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, बाहर भी गया, मैं भी गया बाहर, मेरी बेटी तानिया भी लंदन गई पढ़ने के लिए, वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस जो वहाँ का बेस्ट कैंपस है, वहाँ पे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और मैंने उसको बोला कि बेटा आप लंदन में सेट होगी या फिर आप इंडिया होगी, उसका पहला सेंटेंस था, डैड आपने मेरे को सिखाया है मैं अपने देश की सेवा करूँगी, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। उसका बहुत अच्छा जॉब भी लग गया था, उसने एक साल जॉब भी किया, पर फिर आज वो गुड़गांव में है और इस देश की सेवा कर रही है। ये संस्कार अपन अपने बच्चों को दीजिए। आप अमेरिका जाओ, आप कनाडा जाओ, आप UK जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, बेस्ट एजुकेशन लो, आके अपने देश के लिए कुछ करो, उसके लिए एसेट बनो। हमें सुपर पावर बनना है और वो जब तक ये बेस्ट माइंड्स का ड्रेन होता रहेगा, यहां से बाहर जाता रहेगा हमारा बेस्ट माइंड, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। तो टू द पेरेंट्स, माय मैसेज ऑन दिस डे, इंपॉर्टेंट डे, वेरी लवली डे, इज क्रिएट अ एसेट फॉर दिस नेशन थ्रू योर चाइल्ड एंड हेल्प अस एवरीबॉडी टू मेक इंडिया अ सुपर पावर। वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री एंड वी वॉन्ट टू बी इवन मोर प्राउड। मैं जब भी फॉरेन में रहा हूं, मैं भारतीय होने पे हरदम गर्व किया है। जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज है, यूरोप तो अब उसको डिस्कवर कर रहा है, अमेरिका अब डिस्कवर कर रहा है, हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले से वो सब है। तो वी आर प्राउड टू बी इंडियन एंड आई वॉन्ट यू टू बी प्राउड ऑफ इंडियन एंड योर चिल्ड्रन टू बी प्राउड ऑफ इंडियन। विश यू अ वेरी गुड फेस्टिवल अगेन, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।